वेलकम टू साइन ब्लॉग्स जी। तो अम्मी के घर हम आए हुए हैं, बच्चे देखें मोनोपोली खेल रहे हैं, मैं पी रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। अब मैं ज़रा आपको दिखा देती हूँ कि बच्चे जी मोनोपोली खेल रहे हैं। उधर देखें पाँच भाई पेपर्स ख़त्म हो गए। खुश हो गए हो आप लोग? हाँ बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। मैं नहीं खुश हूँ। क्यों? याद आ रहा है। अच्छा हसनैन को देखें भाई, हसनैन जो उनसे है ना, हसनैन भी चाय पी रहे हैं। तो मैं आई हूँ भाई किचन में, भाभी जो है वो किचन में कर रही हैं काम, और देखते हैं भाभी बना क्या रही हैं। भाभी आप क्या बना रही हैं? अच्छा भाई भाभी जो है वेजिटेबल राइस बना रही हैं। सो भाभी हमारे साथ ज़रा सी शेयर करें कि क्या क्या कर लिया आपने अभी तक। अभी हमने प्याज को ब्राउन किया और उसमें ये वेजिटेबल्स को डाल दिया, ये फ्राई होंगे साथ साथ, और साथ ही इसमें हम बॉयल्ड चिकन जो है वो हमने स्ट्राइड की है उसको डाल देंगे। ठीक है तो देख लें भाई प्याज को ब्राउन करके उसमें वेजिटेबल्स जो है डाला है। ठीक है और वेजिटेबल कौन कौन सी आपने यूज़ की हैं? इसमें वो है मटर, ठीक है, और आलू। ठीक है मटर गाजर और वो बंद गोभी भी डाल सकते हैं। ठीक है भाई तो बच्चों को नहीं पसंद थी इसलिए भाभी ने फिर नहीं डाली। भाभी ने सिर्फ यूज़ किया है जी ये देखें मटर है, गाजर है और आलू मीन्स पोटैटो। ठीक है इसके बाद जी यहाँ देख लें कि ये चिकन श्रेड करके रखी हुई है, बॉईल कर ली थी पहले आपने, बॉईल की इसकी यखनी बनाई है और वही जो पानी है इसका हम उसमें हमने उसमें काली मिर्च डाली थी, लहसुन डाला था, नमक डाला था और साबुत गरम मसाला, उसकी यखनी बनी हुई है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है ज़बरदस्त। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बल्कि ट्राई कर रही थी कि भाभी बना रही हूँ और मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि एक दो दफ़ा मैं पहले आई हूँ तो खाना बन चुका था तो मैं आई तो आप लोगों से शेयर भी कर सकती। तो भाई यहाँ देखें अब साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है जैसे ही ये जो है वेजिटेबल्स ये होंगी फ्राई, बहुत ज़्यादा है आपने इनको फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है। हाँ क्योंकि दम उन्हें जब देते हैं तो उस टाइम पे वो हो जाता है। अच्छा तो आपने इसमें नमक मिर्चें और क्या क्या मसाले क्या क्या ऐड किए आपने इसमें? मैंने नमक डाला, रेड चिली पाउडर, ठीक है, धनिया पाउडर, ठीक है, और ब्लैक पेपर, सही है, और साबुत गरम मसाला डालूंगी, ठीक, और इसके अलावा अगर आपने कुछ विनेगर या चिली सॉस या चाय सॉस ऐड करनी है तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है, आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा भाई तो यहाँ देखते हैं कि अम्मी ने क्या बनाया है। अम्मी ने भाई चिकन बनाई है, सो चिकन रेडी हो चुकी है। ये चिकन कौरमा की रेसिपी अम्मी के हाथ की आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी हुई है इसलिए मैं दोबारा से बना नहीं रही। सो आज फोकस करेंगे, सो आज फोकस कर रहे हैं जी वेजिटेबल राइस पे। अभी ये थोड़ा थोड़ा जो है वो हो गई हैं, बस ज़्यादा इसको नहीं करना और इसी स्टेज पे हम इसमें चिकन ऐड करेंगे क्योंकि चिकन हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है तो ये देखें अभी आपको बताती जा रही हैं वही वही स्टेप आप लोगों ने भी करने हैं, और भाभी बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं इसीलिए फिर भी आज हमें मौका मिल गया और हम आपके साथ कर रहे हैं शेयर। ये अब आपको आपने इन सबको मिक्स कर देना है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा तो आप लोगों ने भाई वीडियो एंड तक देखनी है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजिम करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ करिए शेयर हमारी कुकिंग जो हम डिफरेंट जगह पे जाके डिफरेंट शेफ्स की आपको रेसिपीज दिखाते रहते हैं, जो जो वो लोग अच्छा बनाते हैं वो हम आपके साथ करते हैं। अच्छा भाई यहाँ क्या क्या डाल दिया भाई अब आपने? हमने वो टमाटर और ठीक है डाल दिया, सही है। अब हम डालेंगे इसमें चिली सॉस, ठीक है, विनेगर आपने डाल दिया था ना, विनेगर जी अपने उसके टेस्ट के मुताबिक क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम उसके हिसाब से ऐड करेंगे चीज़ें, सही है। ठीक है तो यहाँ आपको बता दिया है कि
वैसे तो ये प्रॉपर जो चाइनीज राइस होते हैं उस तरह से नहीं है, एग फ्राइड राइस नहीं है ये, आज हमने ब्राउन राइस के साथ इसको वेजिटेबल्स को मिक्स करके और चिकन को मिक्स करके हम इसकी चिकन स्टॉक जो है वो हमने बनाई है उसको ऐड करेंगे और इसको प्रॉपर एक जैसे एक डिफरेंट चावल बनते हैं ना उस तरह से इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छा तो ये डिफरेंट रेसिपी जो है वो आप लोगों ने करनी है ट्राई और फिर बताना है आपने कि कैसी लगी आपको। वेजिटेबल राइस तो आप लोग बनाते होंगे लेकिन ऐसे चाइनीज स्टाइल में वेजिटेबल राइस जो है वो आपको हम सिखा रहे हैं। तो भाभी अब आप बताएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या किया आपने। अभी हमने इसमें पानी डाल दिया, हमारे थे 2 kg राइस तो हमने उसके अकॉर्डिंग 2 kg पानी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा मींस वो जो आपने यखनी बनाई थी, यखनी के अलावा मतलब यखनी जो थी अगर जितना हमें कम हुआ था बाद में हमने उसमें पानी डाल दिया। ठीक है। यखनी के साथ आपने पानी भी ऐड किया और अब हमने इसमें देखें ये गरम मसाला थोड़ा सा जीरा है जिसमें और थोड़ी सी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग और अच्छा साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब इसको कवर कर देंगे, ये बॉईल होगा और फिर उसके बाद हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। सिंपल। ओके अब ये देखें ढक्कन हमने हटा दिया है और जो पानी है वो बॉयल हो रहा है। ठीक है। इस स्टेज पे राइस को कर लेंगे शामिल। तो भाभी राइस लेके आ रही हैं पानी उसमें से निकाल के। साथ भाई आप क्या बना रही हैं? ये भाई बना रही हैं, अभी दिखाते हैं आपको कि सेवइयां बना रही हैं। यहाँ भाभी डाल रही हैं राइस, इस स्टेज पे राइस डाल देने हैं। आप क्या बना रही हैं भाई? यहाँ शेफ़ फौजिया बना रही हैं सेवइयां और शेफ़ फौजिया आप ज़रा सेवइयों की भी रेसिपी हमारे साथ बाद में। अच्छा ये शेफ़ आयशा ने बनाई है भाई, शेफ़ फौजिया ने कोई नहीं बनाई। सो ये क्रेडिट गोज़ टू आयशा। ये देखें शेफ़ फौजिया को हम क्रेडिट देने लगे थे लेकिन अचानक ही पता चला कि ये भी शेफ़ आयशा ने बनाई है। सो ये देखें ये आपने ऐसे प्यार प्यार से चावल डालने हैं जी। तो फिर आयशा अब इसको आप कवर कर रही हैं। ठीक है ये जी इसको मिक्स कर देंगे ना। ठीक है ये देखिए सही है। ठीक है सही है। बस अब ये इसका पानी खुश्क होगा तो हम इसको दम लगाएंगे। ठीक है यहाँ भाई कवर कर दिया गया है और आपको सारा बता दिया गया है। ठीक है आपने याद रखना है और ऐसे ही बनाना है। ये सुहेल को चेक करें, सुहेल जो है चटनी पीस रही है। शेफ आयशा के हस्बैंड उनको कर रहे हैं हेल्प और चटनी बना के दे रहे हैं भाई। जो एक पैकेट सेवइयां थी तो हमने उसके हिसाब से इसमें इसमें हमने उस हिसाब से देसी घी डाला, दो जो होते हैं एक कप देसी घी डाल दिया। ठीक है हाफ कप देसी घी डाला और उसके अंदर हमने इलायची। ठीक है इलायची को हमने थोड़ा सा उसका फ्लेवर जब खुशबू आई उसमें हमने सेवइयां डाल दी, सेवइयों को थोड़ा सा उसमें भुना और जैसे उसकी सेवइयों का फ्लेवर जब थोड़ी सी खुशबू आई तो फिर हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। ठीक ताकि वो दम दिया ना ताकि थोड़ी सी सेवइयां जो है वो नरम पड़ जाए और उसके बाद हमने इसमें दूध ऐड किया 1.5 लीटर और फिर सब ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए। ड्राई फ्रूट अभी हमने इसमें ऐड किया है, बादाम है और वो पिस्ता है और वो खोपरा है। ठीक है तो अभी अब ये बॉईल हो जाएगा। हाँ तो फिर रेडी है बिल्कुल। अगर आपने इसको थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में करना है तो ये आपकी अपनी मर्जी है लेकिन हम थोड़ा सा इसको लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। ठीक है जब ये पक के तैयार हो जाएंगी मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखा दूंगी और किसी दिन आपके साथ ये फुल रेसिपी जो है वो शेयर भी कर देंगे बनाते हुए। अभी आपको हमने रेसिपी जो है वो झटपट आपको बता दी है। तो जी अब यहाँ भाई शेफ फौजिया आई हैं सेवइयों को चलाने के लिए तो सब मिल के काम कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। आप रायता बना रही हैं? आप जी मैं रायता बना रही हूँ। ठीक है ये रायता बहुत अच्छा बनाती है। मैंने रायते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। सो रायते में आयशा डालती हैं हरी चटनी जिससे रायता बहुत मज़े का हो जाता है। तो ये था इनका थोड़ा सा यूनिक स्टाइल।
हमें देखते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे डिफरेंट शेफ्स की डिफरेंट रेसिपीज आपके साथ होती रहेंगी शेयर। तो अब जी आपको तमाम डिशेस की फाइनल लुक चेक कराएंगे थोड़ी देर के बाद। जी अब हमारे जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और चावल जो है वो दम की स्टेज पर है, तो अब हम इसको दम लगाएंगे चावल को। ठीक है, उसके हिसाब से कि कितनी हमें ज़रूरत है, कितने टाइम उसको दम देना है। ठीक है, ठीक है जी, चल चलिए जी। अब आपको इसकी जी फाइनल लुक चेक कराएंगे। ये लगा दिया गया है, फिर भी अब देखते हैं कि किचन में क्या हो रहा है। यहाँ भाई अब शेफ पहुँच गया और आयशा तो जा चुकी हैं, मीन्स भाभी और मेरी सिस्टर जा चुकी हैं। अब जी ये दम लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ऊपर लंगड़ी रख दी है क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा वसनी चीज़ का दम देते हैं, 100 लंगड़ी से ज़्यादा वसनी यहाँ कोई और चीज़ थी नहीं। अच्छा यहाँ भाई अब मेरी बारी आ गई है। सो चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, सबको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। सो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। ठीक है, अभी कहवा अच्छे करके कहवा बनेगा और उसके बाद बनेगी चाय। अब जी चाय मेरी तकरीबन हो गई है तैयार। थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा उबालूंगी तो ये ज़रा घनी घनी हो जाएगी। अभी मैं देखूंगी कि और दूध की ज़रूरत है तो और दूध डाल दूंगी। आज का व्लॉग बस।